फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब यूट्यूब चैनल की एक न्यू और फ्रेश वीडियो पे। आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को एक एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा पुराना चार्जर को यूज करके। तो आप बोलोगे कि भाई पुराने पिछले वीडियो पे भी तो आप एक एम्पलीफायर बनाया था पुराना ट्रांजिस्टर को यूज करके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हर सर्किट पे अलग अलग ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है। जैसे इस पे आप देखोगे तो HLB120A ऐसा नाम का एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और इस पे आप देखोगे तो इस पे भी क्या है 13001 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो मैंने पिछला वीडियो पे बनाया था 13003 ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, ठीक है। और इस पे आप देखोगे तो 945 का एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, C945। तो ऐसा हर एक सर्किट पे हर एक ट्रांजिस्टर, हर तरह का ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको ऐसा ही मतलब पुराने चीज़ से बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बनाना मैं सिखाऊंगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं ऐसा न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम भाई आज ये 945 से बनाएंगे। तो 945 ट्रांजिस्टर को निकल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ से ट्रांजिस्टर को निकल लिया हूँ, ठीक है। ये 945 ट्रांजिस्टर को मैं निकल लिया हूँ। तो और यहाँ पर एक 1K का रजिस्टर था जिसको भी मैं निकल चुका हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है 1K का रजिस्टर जो था, ठीक है। 1K का रजिस्टर को मैं निकल लिया हूँ। और यहाँ पर एक कैपेसिटर का जरूरत पड़ेगा, जो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये 4.7 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को भी। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर, तो ये अच्छा थोड़ा होगा इससे। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे सर्किट में ही मिल जाएगा। तो और हमें एक ऑक्स कॉर्ड का ज़रूरत पड़ेगा जिससे हम ऑडियो इनपुट देंगे। तो मैं ये ऑक्स कॉर्ड पुराना हेडफोन से बनाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको बनाना चालू करते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लगा लेता हूँ सर, मतलब मेरा स्टैंड पर लगा लिया हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, रजिस्टर जो है रजिस्टर को यहाँ पर सोल्डर करूँगा, ठीक है। इस दोनों पिन के साथ मैं सोल्डर कर दूँगा। तो मैं अभी सोल्डर कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। मैं ट्रांजिस्टर के साथ ट्रांजिस्टर की जो 3 नंबर पिन और बीच वाला पिन है उसका साथ मैं सोल्डर कर दिया हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने सोल्डर कर दिया हूँ, ठीक है। तो और जो है ये जो कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को मैं लूँगा, ये 10 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर। और 10 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर को लेके कैपेसिटर के जो पॉजिटिव हिस्सा है, पॉजिटिव हिस्सा को मैं यहाँ पर इसके साथ 3 नंबर पिन के साथ सोल्डर कर दूँगा, ठीक है। तो मैं सोल्डर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने सोल्डर कर दिया हूँ। तो ये आप अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ऑक्स कॉर्ड ले लूँगा। और ऑक्स कॉर्ड को लेके मैं यहाँ पर ऑक्स कॉर्ड की जो मतलब लेफ्ट या राइट पे कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट को ले रहा हूँ, हाँ। तो ये मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। ये जो कैपेसिटर की जो माइनस रहेगा, माइनस पिन के साथ सोल्डर कर दिया हूँ मैं इसको, ठीक है। तो और जो है यहाँ पर जो ग्राउंड है, ये वाइट कलर का जो ऑडियो इनपुट के लिए जो ग्राउंड होगा उसको मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ ट्रांजिस्टर के 1 नंबर पिन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। ये मैं 15 वाट 4 ओम का स्पीकर ले लिया हूँ 4 इंच का, ठीक है। तो मैं इस जो स्पीकर का जो नेगेटिव वायर है, स्पीकर के नेगेटिव वायर को मैं ट्रांजिस्टर की बीच वाले पिन के साथ मतलब बेस के साथ सोल्डर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बीच वाले पिन के साथ सोल्डर कर दिया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और जो इसका पॉजिटिव हिस्सा रहेगा स्पीकर का, वो हम रख देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव सप्लाई का पिन होगा, ठीक है। मतलब ट्रांजिस्टर इस सर्किट पे जो इनपुट देंगे उसका पॉजिटिव का पिन वो ही होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक छोटा सा वायर कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि हमारा पावर सप्लाई को मतलब इनपुट पावर इनपुट देने के लिए ग्राउंड का जो पिन होगा मतलब माइनस देने के लिए सर्किट पे, वो मैं इसको लगा दिया हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं सर्किट कुछ यहाँ पर इसको सप्लाई देने के लिए एक 3.7 वोल्ट का बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं एक बॉक्स के अंदर लगा के रखा है, ठीक है, ताकि मेरे को मतलब चार्ज करने में आसानी होता है। तो मैं यहाँ पर एक कुछ कंपोनेंट लगा के इसको चार्ज करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो 100% रियल है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक बैटरी को लगा के रखा हूँ जो 3.7 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ही लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्पीकर से जो वायर आ रहा है, स्पीकर का जो पॉजिटिव वायर होगा वो हमारे यहाँ पॉजिटिव पे कनेक्ट होगा, ठीक है। पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हमारा ट्रांजिस्टर की जो 1 नंबर पिन के साथ जो मैंने छोटा वायर लगा था वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको लगा दिया हूँ बहुत अच्छे तरह से। तो अभी यहाँ पर मैं
यहाँ पर मेरा मोबाइल को कनेक्ट करूँगा और आपको एक सॉन्ग प्ले करके सुनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, चालू करता हूँ, ठीक है। सॉन्ग को प्ले करके आपको कुछ कंपोनेंट मतलब कुछ टुकड़ा वायर का मैं यहाँ पर दिखा के आपको दिखाता हूँ कि ये रियल है, ठीक है। और ये बज रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बज रहा है, ठीक है, ये एकदम रियल है, ठीक है। आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, एकदम प्योर क्वालिटी प्योर है आवाज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे तो इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसको मैं एक बार खुल कर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एकदम खाली है, ठीक है। 3.7 वोल्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है ये,